योगी सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। आज की डेट में हम पहले निकल नहीं पाते थे, पुलिस प्रशासन हमारी सुनता है। पहले हमारी पुलिस प्रशासन नहीं सुनता था क्या? आज हम जाते थे में तीन मर्डर हुए अभी पिछले दो महीने, सलाम पे दूसरे दिन गोली चल रही है, उससे जबरदस्ती हफ्ता लिया जा रहा है, उसने कार को दे दी फॉर्च्यूनर दे दी जब भी नहीं हो रहा, उस पे हफ्ते के चक्कर में उसके अंदर रोज गोलियां चल रही है। नहीं, 70 साल की बात, 70 साल में नहीं नहीं, 70 साल से कांग्रेस थी, 70 साल से कौन सी भाई, दो ही पार्टी, दो ही सरकार, तो आज तक भी नहीं है, कांग्रेस ने भ्रम में रखा देश को 70 साल को, जो आज हो रहा है वो कभी नहीं देखना चाहिए। योगी जी को लाने वाले हैं क्या फिर से? देखो ये तो मैडम समय बताएगा, समय बताएंगे। आप क्या कमल खिलाएंगे क्या फिर से? देखो जी मेरे हिसाब से तो ये बात है कि कोई भी नेता आए या कोई भी मंत्री आए, सब बता दीजिए, सब बताऊंगा मैं, बिल्कुल करीब चुनाव के टाइम पे वोट उसे दिया जाएगा जो काम करके दिखाएगा। ये तो कह रहे कि काम किए हैं। देखो जी हमें तो काम क्या नहीं, हमें तो पुलिस वाले भी डंडे मार के भगाते हैं आज के टाइम में। हाँ। ये रे टेम्पो चलाते हैं, मतलब योगी जी ने काम नहीं, मेरी बात सुनो, जब से सरकार आई है गरीबों पर डंडे बजे हैं। हाँ। क्योंकि हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो का मतलब ये है कि हम क्या तो स्टैंड दे। हाँ। और स्टैंड भी दिया हो तो वहाँ भी आकर के परेशान करते हैं। हाँ। तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? नहीं ये बात लगातार हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, इस वक्त हम लोग लोनी में है, सर झांसी भी हम लोग गए हैं, ये लखनऊ हर अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी हम गए हैं, ये सारी ये परेशानी तो हर जगह यूपी के अलग अलग जगह पे हम लोगों ने गए हैं। परेशानी का कोई समाधान नहीं होगा, हम विचार नहीं कर सकते, हम किसे सपोर्ट करेंगे? अभी आप शो नहीं कर सकते, युवा क्या कहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं इस बार? परिवर्तन तो बहुत चाहते हैं मैम, बस यही हमारा कहना है, ये लड़ाई दंगे जो हो रहे हैं ना उसके बारे में कहना है। हाँ, बताइए। और ये हिंदू मुसलमान के लगड़े ये बिल्कुल हर कहीं लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई दंगे हो रहे हैं। क्या जनता चाहते हैं हिंदू मुसलमान? मैं भी ओमडन हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मोइस अली है, जिला शाहजहानपुर, गाँव का नाम घोसगमा है। क्या भाई जनता चाहते हैं हिंदू मुसलमान? जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है अपना काम धंधा, सारे धंधे बंद कर रखे हैं, कोई भी धंधा गरीबों का सहायता नहीं चल रहा है, सब धंधे बिल्कुल चौपट है मैम, कोई भी गरीब आज के टाइम में जो है ना खर्चा रुपया है, आमदनी 25 पैसे है, तो क्या करेगी जनता, हर चीज पे महंगाई है, क्या करेगी जनता? जनता हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार को अच्छा शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं योगी? हाँ बस परिवर्तन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? ये युवा है हमारे, ये युवा है, ये हमारे देश क्या चाहते हैं? युवा युवा रोजगार चाहते हैं, युवा रोजगार चाहते हैं। हाँ जी, और क्या चाहते हैं? इतने सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी खत्म ना, रोजगार 2 लाख नौकरी का वादा करा था, एक नौकरी नहीं मिली हमें, यूपी के अंदर नहीं मिली, यूपी के अंदर कोई नौकरी नहीं है। हम आपको बता दें कि बड़ी बड़ी पोस्टर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर लगा आपको बता रहे हैं, उसमें मिली 2 लाख नौकरी की निकली थी वैकेंसी भी, वो भी कैंसिल हो गया एग्जाम, बड़ी 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 पोस्टर लगा लगा के तो बता रहे हैं मिल नहीं रही है, जो पेपर थे वो भी कैंसिल हो गया है, उसकी भी दो साल बाद की, 2 महीने बाद की डेट आ रही है। तो युवा क्या चाहते हैं? रोजगार चाहिए और क्या? रोजगार चाहते हैं हम, रोजगार चाहते हैं हम, धर्म नहीं चाहते, जाति नहीं चाहते हम, रोजगार चाहते हैं, अपना भविष्य चाहते हैं, हम जवान हैं, हम धर्म नहीं चाहते, हम जातिवाद नहीं चाहते, हमें रोजगार चाहिए, ये युवाओं का कहानी है, ये जमीनी हकीकत है। सरकार दावा करे कि बहुत रोजगार दिए हैं, बेमिसाल हो गई सरकार, तो बहुत झूठे वादे कर रही है, ये कर दिए अगर क्या करा है, कुछ नहीं करा, परिवर्तन चाहते हम, परिवर्तन में अखिलेश चाहते हैं। पिछली बार भी रोजगार दिया था, बच्चों को लैपटॉप दिए थे, मेरे बड़े भाई को भी लैपटॉप मिला था, मेरी बहन को लैपटॉप मिला था 12th के बाद। तो आप परिवर्तन चाहते हैं, आप भी भैया क्या चाहते? योगी सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। अच्छा इधर आइए भैया, रास्ते में इधर आ गए। हाँ, योगी सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। आज की डेट में हम पहले निकल नहीं पाते थे, पुलिस प्रशासन हमारी सुनता है। पहले हमारी पुलिस प्रशासन नहीं सुनता था क्या? आज हम जाते थे, में तीन मर्डर हुए अभी पिछले 2 महीने, सलाम पे दूसरे दिन गोली चल रही है, उससे जबरदस्ती हफ्ता लिया जा रहा है, उसने कार को दे दी फॉर्च्यूनर दे दी जब भी नहीं हो रहा, उस पे हफ्ते के चक्कर में उसके अंदर रोज गोलियां चल रही है। देखो ये तो सबके साथ है, सरकार पहले भी थी, सरकार आज भी है, लेकिन आज हम संतुष्ट हैं। हाँ, आपने ये बोला ना गुंडागर्दी खत्म, सरकार भी दावा करते कि अपराध के पास की गुंडागर्दी है, ये दूर की थोड़ी है, लोनी में सलाम 500 मीटर दूर। सरकार सबके साथ है, अगर आप किसी को जाकर कंप्लेंट लिए चलिए, हफ्ता चल रहा है, वो कंप्लेंट सुनी जाती है आज की डेट में, ऐसा नहीं है। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई भैया? गुंडागर्दी कहाँ दिन का पहले सलाम होटल पर, सलाम होटल तो 2 लाख रुपए। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना संतुष्ट है कि हम संतुष्ट है, हम अपना
अपना बेखबर घूम रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ठीक है आपने आप संतुष्टि है ये भाई लोग करने गुंडागर्दी, बस ये बताओ। देखो वहाँ हो रहा है अत्याचार आपके पास से अग्री है, लेकिन देख लो आप खुद कह रहे हैं लेकिन आज भी जब से वहाँ गोली चली है प्रशासन जब से वहीं बैठा हुआ है, प्रशासन उनके सपोर्ट में है, प्रशासन बाहर वाले अंदर गाड़ियाँ, फिलहाल की वीडियो वायरल हुई, लास्ट टाइम की वीडियो वायरल हुई, अंदर चार पांच बदमाश बैठे हैं और जैसे खाने के बोले जैसे सामान निकला सब बाहर निकल गए। हाँ ये बात इनकी बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है, वहाँ खाना खाते हुए घबरा रहे हैं लोग, खाना खाने की जगह पे हो रहा है ये बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपराध मैडम देखो थोड़ा बहुत तो सब जगह है, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह नहीं, थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत तो है, देख लो। ठीक है मैं ये आप योगी जी का सपोर्ट करते हैं करें अखिलेश यादव नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, चाहे हमारा तो यह परिवर्तन चाहते हैं, चाहे योगी आए हम आके खाना खो जाए। ठीक है एक सवाल करूंगी आपसे, इनसे पूछ लिया क्या युवा हिंदू मुसलमान चाहते हैं? नहीं कोई भी नहीं चाहता, एकता चाहते सभी, एकता चाहते अपना खाए पिए मौज ले, किसी को क्या मतलब है, सब भाई हैं, हम भी भाई और ये भी भाई, हमें किसी से क्या मतलब है भाई, क्या मुद्दे में वोट करेंगे? नहीं वोट क्या, वोट तो जो सरकार काम कर रही है या जो कर रही थी या करेगी उससे है। अच्छा आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जो गुंडागर्दी है वो हमसे ही है और किसी से नहीं है, जो गुंडागर्दी थी वो बहुत कंट्रोल में, पहले अखिलेश थी मायावती थी सरकार बहुत देखी हमने, पर इस जैसी कंट्रोल सरकार हमने नहीं देखी। अच्छा क्या फर्क देखा है? हम योगी को करते हैं सपोर्ट, रोजगार की बात आई थी, रोजगार हर इंसान चाहता है, फ्री बिजली फ्री पानी फ्री सब चीज फ्री चाहता है, अरे फिर हम कमाने कहाँ जाएंगे, कपड़े कहाँ से लाएंगे, खाने को कहाँ से लाएंगे, सब चीज फ्री मिल जाएगी तो बंदा तो स्वार्थी हो जाएगा। अच्छा आप कह रहे फ्री होने ही होना चाहिए, कौन स्वार्थी नहीं? अच्छा बिजली फ्री ये सब फ्री, ये सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के एक लॉजिक होता है, लॉलीपॉप हो गया चूसते रहो, फ्री आज में केजरीवाल दे रहा है, मगर दिल्ली राज केजरीवाल है, दिल्ली में केजरीवाल है, सुनो दिल्ली में केजरीवाल है, 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली में, यहाँ की बात मुफ्त देना, मुफ्त मुफ्त नहीं, मैं खिलाफ हूँ मुफ्त के, मुफ्त दे रही है वो गरीबों के लिए, जो बंदा 15-20 हजार रुपए कमा रहा है वो मुफ्त के लायक है क्या? अरे गरीब गरीबों को कोई नहीं, सब मैं अमीर हूँ, मैं भी गरीब दिखा सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देख पाती कि कौन गरीब है कौन अमीर है। सरकार को बिजली मुफ्त मिलते है, कोठी मुफ्त मिलते है, मोबाइल का रिचार्ज मुफ्त मिलते है, हर चीज हवाई जहाज का टिकट मुफ्त मिलता है, तो जनता को थोड़ा सा मुफ्त मिल जाए तो गरीबों के लिए मिले ना, वो अमीर भी यूज कर रहे हैं। सुनो मैं एक आईफोन चलाने वाला हूँ, मैं भी जाकर राशन की लाइन में लग जाऊं तो मुझे भी फ्री मिलेगा ना, मैं भी अपना एक नाम लिखवा दूं कि मैं भी गरीब हूं। और भी लोगों से जानेंगे, ये तो थोड़ी बहुत चलती रहेंगे, ये थोड़ी बहुत गुंडागर्दी तो किसी राज में खत्म नहीं होने की, मगर जो योगी सरकार में कानून व्यवस्था बनी है वो किसी राज में नहीं बन सकती, और अखिलेश के राज में दंगे हुए और कुछ हुआ ही नहीं, अखिलेश के राज में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हर जगह दंगा हुआ, या लोनी में दंगे हुए, और योगी के राज में कहीं दंगा नहीं हुआ और विकास भी हुआ। कहना चाह रहे हैं कि 70 साल से कौन सी सरकार ऐसी आई है जिसमें का हमें मजदूरी नहीं करना पड़ा, आज जो मुद्दा उठा रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हम यो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हर साल हर सरकार के आपको ये बात क्लियर कर दूं, कमाना खाना तो सबको ही है, कोई किसी की सरकार में हो, लेकिन बात ये कह रहे सरकारी सुविधा, जैसे बीमार होते तो हॉस्पिटल जाते हैं, एक मिनट बता दूं, रोड सरकारी का ही यूज करते हैं हम लोग, अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो स्कूल का व्यवस्था भी सरकार को करना होता है, तो ये सारी चीजें सरकारी सुविधा तो जनता को चाहिए, तो क्या मिल रहे हैं आप लोगों को सारी सुविधा? सारी सुविधा मिल रहे हैं, मकान भी मिले बनाने के लिए पैसे, मुसलमानों को भी मिले हिंदू को भी मिले, इस सरकार ने किसी की पक्षपात नहीं रखी है। अच्छा, कहने का मतलब है आप सब कुछ बराबर है, किसको जिताएंगे? हम तो योगी को जिताएंगे, योगी जी को जिताएंगे, आप किसको जिताएंगे? योगी जी को जिताएंगे, आप भी जिताएंगे। अच्छा क्या बेहतर क्या लगा आपको? योगी का काम अच्छा है जी, बहुत अच्छा विकास किया है समझे, और अभी तो विकास कर रहे हैं, और जनता को 2 साल से जो राशन फ्री मिल रहा है, योगी को योगी और मोदी की सरकार बहुत अच्छी है, जो काम 70 साल में नहीं हुआ ये 4 साल में हो गया।
सत्तर साल में नहीं हुआ, ये जो आप बताते हैं ये तो सरकार का ही कहना है ना। अच्छा ये बताइए, सत्तर साल इतना नीचे था, सत्तर साल के अंदर क्या कुछ भी नहीं हुआ आपको ऐसा लगता है? नहीं हुआ, हुआ हुआ, लेकिन जो अब हुआ चार साल में, ये 15-20-30 साल से हम देखते हुए लोनी में आ रहे थे, कुछ नहीं हुआ। पहले से बहुत कुछ सुधार हो चुका है, बहुत सुधार हो चुका है। क्या लोनी के अंदर कितना सुधार हुआ है? लोनी के अंदर सुधार तो काफी हुआ है, लेकिन बात एक है कि ये सरकार खाली धर्म के नाम पर राजनीति करती है। विकास खूब करा लेकिन धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हाँ क्यों ऐसा लगता है? सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास सबको बराबर लेके चलते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो बात ठीक है, कहीं गाय के नाम लिंचिंग करी जा रही, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद और कहीं हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान, इस नाम पे ये सरकार राजनीति करती है। विकास तो करा है अहिवानी, विकास तो करा है, लेकिन बात यह है कि ये नहीं होना चाहिए। इस सरकार में भाईचारे की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। हाँ ये नहीं होना चाहिए, हाँ ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली विकास की बात, भाईचारे की बात और शिक्षा की बात, रोजगार की बात, ये होनी चाहिए। शिक्षा की बात, रोजगार की बात और भाईचारा होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारे देश की मजबूती यही है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? विकास के नाम पे, भाईचारे के नाम पे। जो सरकार भाईचारे की बात करेगी, विकास की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, उस पे वोट होगा। कौन है ऐसा टक्कर में, कौन नहीं है? अब इससे पहले देखो, हम तो ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी जब कोई नहीं जानता था हिंदू मुस्लिम। आज आदमी डर डर के घूम रहा है, डर डर के घूम रहा है। आज ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए मैं मुसलमान मान लूं, लेकिन अगर हम टोपी लगा के जाते ना तो मुझे डर लगता है। 70 साल में क्या दे दिया है देश को भाई? 70 साल में जो दिया है ना, जो 70 साल में दे दिया है वो अब इस सरकार ने फेंक दिया है। नहीं नहीं नहीं, 70 साल के बाद 70 साल में नहीं नहीं, 70 साल से कांग्रेस थी, 70 साल से कौन सी भाई, दो ही पार्टी, दो ही सरकार। कांग्रेस तो आज तक भी नहीं आई है, कांग्रेस ने ब्रह्म रखा देश को 70 साल को, जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। देखना चाह रहे वहाँ क्या है? देख लो, वही तो कह रहा हूँ, 70 साल तक देश को ब्रह्म रखा कांग्रेस सरकार ने, क्या करा? कुछ नहीं करा। एक बात बताओ, जो स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह जो प्राइवेट कर रहे, वो किसने किसके टाइम में बने थे? सही कर रहे हैं वो तो आप बने, वो अंग्रेज टाइम में बन के तैयार, अंग्रेजों टाइम में बन गए थे, पर इतना सुविधा, सुनो ऐसे मत करो। चलो कांग्रेस के टाइम में बोल रहे हो ना आप, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा। नहीं 70 साल में किया, किसने किया था, किसने बनाया था? जो आज हम हर चीज को सुविधा साफ सुथरा चाहेंगे तो उसके लिए पैसा भी तो देना चाहेंगे, पैसा भी तो देंगे, हमें हर चीज गंदी मिलेगी, कोई पैसा नहीं देगा। ये जो बताते हैं लोग कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सवाल जब पलट के पूछा जाता है तो जवाब नहीं दे पाते।